हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम और जो कि जानलेवा होता है, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ब्लैक लेग कहते हैं। ये कैटल्स में कॉमनली गर्मी के दिनों में पाया जाता है और यह एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया से होता है, जिसे क्लोस्ट्रीडियम चौबाई कहा जाता है। जो ट्रू ब्लैक लेग है क्लोस्ट्रीडियम चौबाई से होता है, फॉल्स ब्लैक लेग क्लोस्ट्रीडियम नोवाई और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम के से भी होता है। कभी कभी ये मिक्स इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट एक ही है। तो अगर ब्लैक लेग आपको पहचानना है, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं पहचानना है, तो इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये किसी इंजरी के चलते नहीं होता है और ये नेक्रोटिक मायोसाइटिस करता है, यानी कि मसल का नेक्रोसिस करता है, इन्फ्लामेशन करता है और फिर सिस्टेमिक साइन लाता है, जिसके चलते सडनली एनिमल की डेथ हो सकती है। ये जनरली जो हिप मसल होता है, बैक का मसल होता है, पैरों का मसल जो होता है उसमें मल्टीप्लाई करता है, लेकिन आप इसके जो लीजन्स हैं एक ही साथ दूसरे जगह भी पा सकते हैं या सिर्फ अलग मसल में भी पा सकते हैं। आप शोल्डर मसल में भी इसको देख सकते हैं, आप नेक में भी देख सकते हैं, आप चेहरे पे भी देख सकते हैं। कभी कभी ये टंग के मसल में भी मल्टीप्लाई करता है और टंग बाहर आ जाती है, या ये डायफ्राम पे भी मल्टीप्लाई कर सकता है और वहाँ पर लीजन बना सकता है। हार्ट पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मायोसाइटिस करता है और उसके चलते एनिमल की सडन डेथ होती है। तो ब्लैक क्वार्टर अगर आपने पहचान लिया है, इसके पहचानने का जो टिपिकल तरीका है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। जहाँ भी ये मसल में मल्टीप्लाई करता है, इनिशियली वो हॉट होता है और क्रेपिटेट करता है पाल्पेशन के बाद। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें चूंकि हवा भरा रहता है, तो जब आप हाथ से उसे पाल्पेट करते हैं तो कड़कड़ की साउंड आपको फील होती है या आवाज़ आता है, इसको क्रेपिटेटिंग साउंड कहते हैं। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसको मायोसाइटिस के साथ होना अति आवश्यक है। अगर आपको सिर्फ क्रेपिटेशन मिल रहा है, सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा मिल रहा है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि कहीं से भी अगर एयर स्किन के अंदर आता है उस समय भी स्वेलिंग होती है और जनरलाइज स्वेलिंग होती है। हम लोगों ने जो देखा है, कभी कभी रूमेन को पंचर करते हैं या ट्रैकिया में पंचर हो जाए, उस कंडीशन में जनरलाइज एयर की लीकेज होती है और वो सबक्यूटेनियस एक्युमुलेट होने लगता है, जिसे इम्फाइसीमा कहते हैं। उसमें एक जगह पर स्वेलिंग नहीं आती है और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और उनको लगता है कि ये ब्लैक क्वार्टर है, जबकि वो ब्लैक क्वार्टर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसमें एयर रहता है, वहाँ पे मसल का डैमेज नहीं होता है और हम लोग देखते हैं कि पूरा बॉडी, कभी कभी चेहरा पूरा स्वेल हो जाता है। अगर चेहरा स्वेल है इनिशियली, तो हम ट्रैकियल रप्चर की सस्पेक्ट करते हैं। अगर बैक साइड में है या थाई में है या पीठ के ऊपर इम्फाइसीमा है, तो हम लोग रूमन पंक्चर की हिस्ट्री लेते हैं। हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी के चलते हुआ हो या कभी कभी अफरा हो जाता है, उसके चलते लोग उसमें पंचर करते हैं। लेकिन ब्लैक क्वार्टर रहेगा तो वहाँ पे एब्सेस जैसा भी बनेगा, नीला पड़ जाता है और एक लोकलाइज एरिया में होता है, मसल डिजनरेशन होता है। तो उसको आपको कंफर्म करने के लिए अगर आप नीडल वहाँ पे प्रिक करते हैं तो ब्लैक टेरी कलर का ब्लड आता है और साथ में क्रेपिटेट करता है। एनिमल को पेन होता है पालपेट करने के बाद। इनिशियल स्टेज में वो हॉट होता है छूने पे, बाद में वो कोल्ड होता है। तो एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ इसको ब्लैक क्वार्टर है, तो इमीडिएट आपको एक्शन लेना होता है। इसमें सिस्टेमिक साइन भी आते हैं, क्योंकि सेप्टिसीमिया होता है, टॉक्सीमिया होता है, इसमें टॉक्सीमिया के चलते एनिमल की डेथ हो सकती है। तो टॉक्सीमिक स्टेट रहेगा तो एनिमल खाना पीना छोड़ देगा, डल रहेगा, डिप्रेस रहेगा, हार्ट रेट आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ा रहता है और फिर एनिमल खड़ा भी नहीं हो पाता है। शुरुआत में आप देखेंगे तो जिस पैर से अफेक्टेड रहता है उससे लंगड़ापन रहता है। तो अगर लंगड़ापन है तो ये बीमारी जो है, जनरली आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर एज ग्रुप है, 6 माह से लेकर के 24 महीने के जानवरों में कॉमन है। दूसरे जानवरों में भी हो सकता है जिनकी उम्र ज़्यादा है या उससे कम है, लेकिन ये कॉमन ग्रुप है जहाँ पे ये बीमारी होती है। साथ ही साथ उन एनिमल में होता है जो जिनका जो बॉडी कंडीशन है बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो अच्छे मोटे तगड़े होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है।
सेम तरह की लंगड़ापन की बीमारी एक और बीमारी है जिसे इफेमरल फीवर कहते हैं या थ्री डे सिकनेस कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है लेकिन सिर्फ इसमें लैमनेस आता है और ये भी इसी ग्रुप को अफेक्ट करता है। तो जनरल कन्फ्यूजन हो जाता है उस समय में कि ये EPH है या ये ब्लैक क्वार्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि EPH में कभी भी मायोसाइटिस नहीं होती है और आप मसल में कहीं भी क्रेपिटेटिंग साउंड नहीं देखेंगे। फीवर उसमें भी रहता है, इसमें भी इनिशियल स्टेज में रहता है, बाद में इसमें सब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन उसमें लगातार 3 दिन तक फीवर बना रह सकता है और लेमनेस रहता है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि ये 3 डे सिकनेस है या ये ब्लैक क्वार्टर का केस है। इसका आप ट्रीटमेंट क्या करना है, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी रिस्पॉन्स होने की संभावना रहती है, अदरवाइज़ इसमें फैटलिटी बहुत ज़्यादा होती है। विदिन 12 आवर अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा होता है और एनिमल में रिकवरी के चांसेस होते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो पेनिसिलिन होता है और पेनिसिलिन हाई डोज में आपको देना होता है। पहला डोज जो है वो इंट्रावेनस दिया जाता है और पेनिसिलिन का डोज जो है वो 40,000 यूनिट पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से इसमें देना होता है। नेक्स्ट डोज से आप इंट्रामस्कुलर लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन दे सकते हैं। अदर एंटीबायोटिक्स में आप थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पेनिसिलिन इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ट्रीटमेंट का आस्पेक्ट है वो सर्जिकल डिब्रिडमेंट है, यानी कि जो जहाँ पे भी एब्सेस या वुंड जो दिख रहा है उसको आपको सर्जिकली रिमूव करना होता है, या यूं कह लीजिए कि उसमें एक चीड़ा लगाना होता है। उसके चीड़ा जो है लोअर साइड में लगाया जाता है जिससे कि ग्रेविटी के चलते वहाँ से जितने भी टॉक्सिन बन रहे हैं वो ऊज आउट हो जाएं और फिर वहाँ पे जो भी फ्लूइड है टैरी कलर्ड ब्लड है उसको वहाँ से रिमूव करना होता है। बेहतर ये है कि उसमें आप लिगोल्स आयोडीन से उसको अच्छे से वॉश कर ले उस मसल को पूरे को। वहाँ पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके चलते ऑक्सीजनेशन होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे सबसाइड हो जाएगा और फिर रिकवरी फास्ट हो जाती है। इसके साथ साथ वहाँ पे आप पेनिसिलिन को इन्फिल्ट्रेट भी कर दे तो और जल्दी रिकवरी होती है, यानी कि लोकल वुंड में लोकली पेनिसिलिन को आप इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं अगर रिकवरी फास्ट चाहिए तो। और उस वुंड को डिब्रिड करने के बाद एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि उंड के अंदर और इंट्रावेनस दोनों ही आप मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मेट्रोनिडाजोल से आप उंड को इरिगेट करें, घाव के अंदर मेट्रोनिडाजोल भरें और साथ ही साथ इंट्रावेनस 10 मैग पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको 3 से 5 दिन तक मेट्रोनिडाजोल देंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है और रिकवरी वहाँ पर फास्ट हो जाती है। जब स्वेलिंग है फीवर है उसके लिए आपको नेसाइड्स देने होंगे, पेन किलर देने होंगे। इनिशियल जब सिस्टेमिक साइंस आ रहे होंगे, जब टॉक्सीमिया है उस कंडीशन में आपको फ्लूइड थेरेपी करना होता है। फ्लूइड थेरेपी करने से जो टॉक्सिन्स है यूरिन से निकलने में इजी हो जाता है, फास्ट होता है, यूरिनेट एनिमल करता है और एनिमल की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच लेंगे तो ये फैटल केस है और जल्दी अप्रोच लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसको मैनेज करने के लिए सक्सेस हो पाएंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को ब्लैक क्वार्टर को समझने में ज़रूर मदद करेगा। एक चीज़ और, ब्लैक क्वार्टर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आप इसे प्रिवेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप डेयरी फार्मर हैं, आपकी अच्छी फार्मिंग है तो ब्लैक क्वार्टर अगर आपके एरिया में होता है तो उस एरिया में या आपके यहाँ पे इसके केसेस आते हैं तो अपने एनिमल को ब्लैक क्वार्टर से प्रोटेक्ट रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इलाज करने से खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ सर्वाइवल के चांसेस भी कम रहते हैं। तो इसमें वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन जो है 3 to 6 month के काफ को दिया जाता है और पहला वैक्सीन लगाने के बाद 4 weeks के बाद आप उसका बूस्टर लगाएंगे, यानी कहने का मतलब उसे रिपीट करते हैं। पहला वैक्सीन देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं 3 से 6 महीने के एज ग्रुप को, फिर उसके 1 महीने के बाद यानी कि 4 weeks के बाद आप बूस्टर लगाएंगे। उसके बाद आप एनुअली साल में एक बार इस वैक्सीन को रिपीट करें अपने फार्म में तो ये बीमारी आपके फार्म में नहीं आएगी और कई जानवरों की जान बचा लेती है। तो प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। अच्छा फार्म चलाना है तो आपको वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जो वैक्सीन है
एनुअल लगाने का तरीका है, ये जनरली जब गर्मियां आती हैं उस समय ज़्यादा होता है। तो जब गर्मियों का शुरुआत होता है उससे पहले अगर आप एनुअल वैक्सीन लगाते हैं तो आपका जो हर्ड है वो बिल्कुल सेफ रहता है। क्लिनिकल केसेस आ गए हैं तो जो मैंने बताया है उन तरीकों, उन सारे मेडिसिंस का और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप जानवर की जान बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।